गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब गलन यार बहुत ज़्यादा है। गलन तो मत पूछिए गांव में, और हम लोग का घर जो है वो खेत के बगल में ही है, तो सिंचाई जहाँ जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, फ्रेश होके आया हूँ तो कुछ काम करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग के लिए जलती है आग, ठीक है। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में आग जलाते हैं, तो ऊपर की सीट ये जो है ना, ये काली पड़ती जा रही है, तो इसकी सुरक्षा के लिए मतलब यहाँ काला ना हो तो उसके लिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हम सिलाई कर रहे हैं। क्या करेंगे इसका सिलकर? इसको सिल के ना आग तापने के लिए, हाँ तापते हैं ना, उसके ऊपर से ओस पड़ता है, या तो ऐसी जगह पे लगाएंगे। आग तो ऐसे ही जल रही है, ये देख बारिश होगी तो आप यहाँ नहीं ताप पाएंगे ना। ये बात तो सही है, तब वहाँ ताप लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तब नहीं तो बाहर की दूर दूर की लाइटें दिख रही थी, लेकिन अभी कितना कोहरा होता जा रहा है, ऊपर से चुभ भी रहा है, ठंडी ठंडी ठंडी। मम्मी नहा चुकी है, हो गया दोस्तों। आ गया मैं प्लाट पे, और प्लाट पे चल रहा है वेल्डिंग का काम, क्योंकि यहाँ पे मैं यहीं पे घर पे ही दरवाज़ा बनवा रहा हूँ, और मटेरियल यहीं मंगा लिया था, लोहा जो भी दरवाजे की ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मैं यहीं पे ले आ लिया था। और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने तो बोल दिया भाई अंदर ही कर लो सब, तो ये हॉल था अपना, इसी हॉल में जो है काम लगवा दिया मैंने। होल्डर लग रहा है और फांस का टूट गया है, होल्डर का तार, होल्डर नहीं, होल्डर का तार टूटा हुआ है, जोड़ रहा है। अरफाज वेल्डिंग में लगा हुआ है, और अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अरफाज को ही पकड़ा जाएगा। ये छोटा छुटंकू आया हुआ है साथ में, हेल्पर, ठीक है, ये हेल्पर है, कुछ करता नहीं है ये, देखो टेढ़ा करके मुँह बैठ गया है, बताइए कब। जबरदस्त ठंड है आज, ठंड है कि नहीं है? है, खूब तेज है ना। और अगर बात करें मेरी, तो मैं लुक अपना चेंज कर चुका हूँ, ये पेंटिंग का काम कर रहा था अंदर में, और ये लोग अपना वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। गाइज, यहाँ का काम अभी ख़त्म हुआ, और वेल्डिंग वाले जो है लड़के चले गए जो वेल्डिंग कर रहे थे, और मैं भी अब निकलने वाला हूँ घर के लिए। और आज दिन भर में तो मैंने जितना होना चाहिए उतना सारा काम किया, सब प्राइमर किया, दो तीन, ठंड बहुत है,
ये दरवाज़ा प्राइमर हो गया, ये वाला दरवाज़ा जो है ये भी मैंने प्राइमर कर दिया। यहाँ पे एक नीचे पड़ा हुआ है, इसको दोनों साइड प्राइमर कर दिया। और ये गाइस एक साइड इसको प्राइमर कर दिया, मतलब प्राइमर किया दिन भर, वो लोग वेल्डिंग कर रहे थे और मैं प्राइमर किया। और जस्ट वो लोग को तो आधा घंटे से ज़्यादा हो गया वो लोग को निकले हुए, अब मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ, तो जा रहा हूँ बाइक चलाने। और बाइक पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ सो गाइस, और रात भी हो चुका है, फिर घर पहुँच के मिलते हैं। घर पे आ चुका हूँ दोस्तों, और क्योंकि दिन भर में मैं था प्लॉट पे, दिन भर प्लॉट पे था तो, और काम भी काफ़ी किया आज, तो लग गई मुझे भूख, रोटी बनने जा रही है, जाके बस तुरंत दमादम खाना खाना है, फिर मैं करूँगा शॉर्ट वीडियो। दोस्तों हम लोग खाना खा के आ गए हैं बेडरूम में, और वाइफ मेरी पढ़ाई कर रही हैं अभी, और इनका क्योंकि केवीएस का फॉर्म भराया गया है, केवीएस की तैयारी चल रही है, तो इसलिए अभी इस टाइम में काफ़ी कम, बहुत कम मतलब इनका वीडियो आता है, ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाता है। स्टडी का इनका एक चैनल है जिसपे कि ये काफ़ी मतलब एक्टिव, अभी प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा कर रही हैं इधर पढ़ाई में, तो अब ऐसा जो है ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम रहते हैं, चंद्रा क्लासेस इन्होंने अटेंड किया हुआ है, तो कई जगह से स्टडी चल रही है। कौन कौन सा है इस टाइम में, कौन कौन से कोचिंग को यूज़ करते हो अभी आप? चंद्रा एकेडमी और सचिन जो है, चंद्रा इंस्टीट्यूट है और सचिन एकेडमी है। टीचर वगैरह अच्छे हैं, तो पढ़ाई प्रिपरेशन इनका वहीं से चल रहा है, प्रिपरेशन वहीं से हो रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से कहीं जाना उना होता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और क्योंकि मुझे करना है वीडियो की एडिटिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। घर पे पहुंच गया, लाइट तो है, घर पे पहुंच गया, देखता हूँ क्या हो रहा है। ओ नो, मैं अभी पहुंचा हूँ घर पे और ये मेरे से गुस्सा, क्या बात है। चलिए ठीक है गाइस, मना के बात करता हूँ, ठीक है।